जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे। पेज नंबर 6 तक हो गया था इम्पोर्टेंट जीके। अब हम 7वें से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके हैं। हम 30-30 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बर्डन नहीं करेंगे अपने माइंड में। 30-30 पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सिद्धाराज द्वारा किया जाता था, बनाई थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा क्वेश्चन, मलिक काफूर जर्नल था किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जर्नल कौन था? मलिक काफूर। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? मलिक काफूर को। बाजार विनियम प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप किया था? औरंगाबाद के समीप किया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, अतः पुनर्निर्माण किया गया था फिरोज तुगलक द्वारा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तुगलक वंश। यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? फारस पर्शिया। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता था? सिलसिला। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया को। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था संत तुकाराम। एनालिटिक्स पवित्र ग्रंथ है कन्फ्यूशियन धर्म का। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? संगम वंश ने। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? निकोलो डी कोंटी। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त माल्यद। 30 क्वेश्चन ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम 7 पेज हो गया, अब नेक्स्ट हम 8 पेज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों? जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों। कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय।